हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे सिंपल इंटरेस्ट, तो अभी जो DHS का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के एग्जाम्स में। तो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ दिया हुआ है कि अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹5,200 इन 5 ईयर्स, ठीक है ना, एंड टू ₹5,680 इन 7 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है पर एनम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले देखोगे यहाँ गिवन क्या है। तो यहाँ दो अमाउंट दिया हुआ है, एक अमाउंट है और यहाँ पे दूसरा दे दिया हुआ है टाइम, है ना। तो ये जो पहला अमाउंट है 5,200, टाइम कितना लग रहा है 5 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अमाउंट देखोगे 5,680, इसे टाइम लग रहा है आपका 7 ईयर्स। तो दोस्तों याद रखोगे जब भी अमाउंट दो गिवन हो तो आप उसको जब माइनस करोगे तो क्या निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखोगे टाइम दिया हुआ 5 ईयर्स 7 ईयर्स, तो अब ये दोनों को अगर माइनस करोगे ना डिफरेंस देखोगे तो 7 माइनस 5 करोगे तो कितना आएगा 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का दोस्तों इंटरेस्ट क्या होगा, इन दोनों को माइनस करोगे यही होगा। तो यहाँ माइनस करके देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 5,680 है, 5,200 है, माइनस करोगे तो ये हो गया 80 और ये हो गया 4, यानी 480 रुपीस हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 2 ईयर्स का। और दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, हर ईयर्स का सेम होता है, ठीक है ना। तो 1 ईयर का ये हो गया 2 ईयर्स का, 2 ईयर्स का इंटरेस्ट, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, यानी हो गया 2 और ये हो गया 40, 240 रुपीस, ठीक है। बट अब से पूछा क्या गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट निकालने के लिए दोस्तों क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, टाइम चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है ना। तो हमें प्रिंसिपल हमें नहीं पता, क्योंकि इंटरेस्ट तो निकल गया, सिंपल इंटरेस्ट तो पता चल गया कि 1 ईयर का क्या हो गया 240 रुपीस, बट प्रिंसिपल कैसे निकालोगे। तो अमाउंट देखोगे दोस्तों ये दिया हुआ है 5,200 5 ईयर्स का, तो अगर 1 ईयर का इंटरेस्ट है तो 5 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 5 से 8 इंटू कर दो तो ये हो जाएगा आपका 0, और 24 इंटू 5 करोगे तो ये हो गया आपका 120, यानी 1200, ये हो जाएगा 5 ईयर्स का इंटरेस्ट। और आपको पता ही होगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो अगर अमाउंट से इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो हमारा प्रिंसिपल दोस्तों क्या हो जाएगा फिर, अब ये 5 ईयर्स का निकाले हो तो इससे माइनस करोगे, इससे माइनस नहीं कर, कोई स्टूडेंट ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसे आप 7 से इंटू करोगे और इस अमाउंट को माइनस करोगे तो भी आपका प्रिंसिपल सेम ही आएगा, आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है, क्लियर। तो आप देखोगे इसको माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0 0, एंड देन यहाँ हो गया 2 से 2 गया यानी 0, और ये हो गया 5 से 1 गया 4, यानी 4,000 हो जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल। अब देखोगे सभी आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है, इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम भी 1 ईयर है गिवन है, तो रेट हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। हो जाएगा 240 एंड देन इंटू 100 एंड देन डिवाइड बाई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल देखो कितना आया 4,000, और टाइम तो 1 ही है क्योंकि पर एनम निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो अब देखोगे ये 3 0 ये कैंसिल, 4 से इसको कैंसिल करते हैं 6, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला दोस्तों 6%, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 6%। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है ना, एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ जो ईयर है यानी टाइम जो दिया हुआ है वो इक्वल है किसके, आर के इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब आपसे पूछ रहा है कि रेट पर एनम क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान दोगे यहाँ पे। यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि सिंपल इंटरेस्ट ये दे दिया हुआ है 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अगर आप पी ले लो तो 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर। तो हम फार्मूला अब यूज़ करेंगे, बट उससे पहले गिवन है आर और टाइम दोनों क्या है, आपस में इक्वल है,
तो फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इज इक्वल्स टू पी आर टी बाई 100। ठीक है, अब देखोगे, अब ये सिंपल इंटरेस्ट यानी 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम लोग क्या लेते हैं पी, एंड देन आर और टी इक्वल है, ठीक है ना, और निकालना है आपको आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आर, अब यानी टी के प्लेस में आर अगर पुट करोगे तो आर इंटू आर क्या होगा दोस्तों, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 100, ये पी कैंसल, ये 100 इस साइड आएगा तो ये 100 ऊपर होगा, नीचे क्या होगा 9, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू होगा दोस्तों, ये हो गया 100 ऊपर 9 हो गया नीचे, ये कितने का होता है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ देखोगे स्क्वायर है तो इसे भी हम स्क्वायर बनाएंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर है, कितने का होगा, ये होगा 10 का और ये होगा आपका 3 का, यानी 10 बाई 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सेम है तो ये क्या होंगे कैंसिल, यानी आर इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10/3%। ऑप्शंस में देखोगे 10/3% है क्या, देखो ऑप्शन नंबर सी, 3 × 3 करोगे तो 9+1 यानी 10/3% होगा, या फिर इसको भी आप ब्रेक कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में, 3 1/3% यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा फिर सी करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया है कि ऑन अ सर्टेन सम द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 6 1/4 ईयर्स, तो यहाँ देखोगे मिक्स फ्रैक्शन है तो इसे हम क्या करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये टाइम हो जाएगा दोस्तों 6 1/4 ईयर जो है ये हो जाएगा 24+1 यानी 25/4 ईयर्स, क्लियर। आगे देखते हैं, बिकम्स दे दिया हुआ है 3/8 ऑफ द सम, तो 3/8 मीन्स हो गया दोस्तों ये, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो जैसे लास्ट क्वेश्चन हम लोग किए 1/9 था वहाँ पे 1/9 तो प्रिंसिपल, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3/8 ऑफ पी, क्लियर, या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 8 रुपीस में क्या है 3 रुपीस का इंटरेस्ट है, तो ये हो जाएगा प्रिंसिपल, क्लियर। तो अब आगे देखते हैं, तो अभी आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आर इज इक्वल्स टू क्या होगा एस आई ना, तो एस आई दोस्तों ये है 3 एंड देन इंटू 100 और डिवाइड में आ जाएगा दोस्तों प्रिंसिपल यानी 8 एंड देन टाइम, तो टाइम दे दिया हुआ है 25/4, ये हो गया 25, यहाँ का 4 ऊपर जाएगा, ये हो गया आपका 4, इसको कैंसिल करते हैं, ये गया 4, ये 4 से 8 गया 2, ये 2 से गया 4 2 टाइम्स, यानी 3 × 2 जा हो गया दोस्तों 6%, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6%, ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ देखोगे अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंड आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट 2 रुपीज़ दे दिया हुआ है दोस्तों 1380 यानी 1380 रुपीज़ इन 3 ईयर्स एंड दे दिया हुआ है 1500 दे दिया हुआ इन 5 ईयर्स, तो आपसे पूछ क्या रहा है कि फाइंड द रेट परसेंट पर एनम, तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे ये अमाउंट दिया हुआ है और यहाँ इसके साथ दे दिया हुआ है टाइम दे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो फर्स्ट अमाउंट यानी दिया हुआ है 1380 कितने टाइम में लग रहा है, ये हो गया आपका इसको टाइम लग रहा है 3 ईयर्स, नेक्स्ट अमाउंट दिया हुआ है 1500 इसे टाइम लग रहा है आपका 5 ईयर्स, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आए हुए क्वेश्चन से कैसे करोगे, तो याद रखोगे अब ये अगर इसको माइनस कर दें यानी 5 − 3 करोगे तो कितना होगा 2 ईयर्स का इंटरेस्ट होगा दोस्तों, कितना, अब 1500 से 1380 को माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 120 रुपीज़, है ना, तो 2 ईयर्स का इंटरेस्ट कहलाया आपका 120, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे यानी 60, अब हमें क्या निकालना होगा प्रिंसिपल निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखोगे अब यहाँ अमाउंट दिया हुआ है 3 ईयर्स का, तो सबसे पहले 3 ईयर्स का इंटरेस्ट निकालोगे फिर माइनस करके हम लोग प्रिंसिपल को निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटरेस्ट 3 ईयर्स का इंटू कर देते हैं 3 से तो 6 × 3 = 18 यानी 180, अब प्रिंसिपल फिर क्या होगा दिस माइनस दिस यानी 1380 − 180, ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो गया फिर 2 1 यानी 1200, क्लियर। अब आपको फाइंड क्या करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है यानी आर, तो आर क्या होगा एस आई, तो इंटरेस्ट क्या हो गया 1 ईयर का ही लेंगे 60, ये हो गया 60 एंड देन इंटू 100 डिवाइड बाई आपका आ जाएगा प्रिंसिपल, ये है आपका 1200, 1200 एंड देन टाइम हो गया 1 ईयर्स का, ठीक है, ये 2 0 कैंसिल, 12 से गया 60, 12 5 जा 60, ठीक है ना,
तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 5%। ऑप्शंस में देखोगे 5%, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस अभी जो डीएचएस का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।